इस तरह का जो कहीं पे भी नया कमिटी होता है, कमिटी का अपना ही एक महत्व होता है किसी भी समाज में। जितनी सारी भी हमारी तकलीफें होती हैं, समस्याएं होती हैं, इनको ये कमिटी अच्छी तरीके से समझते हैं और उसका सेवा कर रहे हैं। इसकी दाद देना चाहती हूँ मैं और चाहूंगी कि इन सदस्य के लिए एक जोरदार ताली हो जाए कि मेरा धर्म है। जितना आसान इस बात को बोलना है होता है, उतना ही मुश्किल, उतना ही कठिन इसको अपने जीवन में, अपने समाज में और अपने लोगों के साथ पालन करने के लिए उतना ही कठिन बात होता है। ये कहने के लिए आसान होता है कि दयालुता ही मेरा धर्म है, मगर जब दयालुता दिखाना पड़ता है, खास करके ऐसे समाज के लिए जो पिछड़ा समाज है, उसके लिए दयालुता दिखाना कोई आसान बात नहीं होता है, वो भी खास करके निस्वार्थ भाव से। आप लोगों की काफी सारी समस्याएं हैं और बाबा बहुत बंधु तिर्की जी, आप लोग से बहुत पुराना रिश्ता रहा है उनका। बहुत लोग का एक समय के बाद उनके साथ एक पारिवारिक रिश्ता भी है। काफी चीजों को वो समझते हैं, आपकी समस्याओं को वो समझते हैं और अपने तरफ से जितना बन पाया है बाबा हमेशा आप लोगों का सहयोग किए हैं। और आगे मैं भी चाहूंगी कि अपने तरफ से जितना बन पाए मैं भी आप लोगों के आरक्षण करूं, सहयोग करूं। अगर आप लोगों ने विधानसभा में मेरा मेडन स्पीच देखा होगा तो मैं एक चीज उसमें आप लोगों के लिए मैंने रखा था कि झारखंड राज्य में अल्पसंख्याओं के लिए जो फंड आधारित किया गया है वो मात्र 70 करोड़ रुपए है। अगर आप देखिए तो पूरे राज्य को, खास करके पूरे राज्य के अल्पसंख्या समुदाय को आगे लाने के लिए ये फंड बहुत ही कम, चाहे छत्तीसगढ़ हो गए, इन सभी राज्यों में, बंगाल तक के लिए, इन सभी राज्यों में माइनॉरिटीज के लिए फंड में बढ़ोतरी की गई है। तो अगर हमारे सरकार को, हमारे राज्य को इस समुदाय को आगे लेके जाना है, इनकी समस्याओं को हल करना है, तो पहली बात तो जो इनके हक का जो फंड है उसको हमें, इन्हें देना पड़ेगा। और साथ ही साथ ऐसे इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, वोकेशनल कोर्स के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हो, खास करके इन समुदाय के लिए हमें लाना पड़ेगा और उनमें से महिलाओं के लिए खासकर, ताकि ये भी किसी तरीके से ट्रेनिंग के द्वारा, अच्छी शिक्षा के द्वारा अपनी रोजगार का एक उपाय निकाल पाए। क्योंकि किसी भी घर में अगर एक महिला इंडिपेंडेंट होती है, स्ट्रांग होती है, अपना कमा पाती है वो, तो वो साथ ही साथ अपने पूरे परिवार को भी वो आगे बढ़ा पाती है। इसीलिए पूरे समाज में हमें महिलाओं को भी आगे लाने का जरूरत है, इनकी इज्जत करना और इन्हें सही, इनका जो हक का शिक्षा है इन्हें हमें देने का बहुत ही जरूरत है। यही सब बात कहते हुए मैं चाहूंगी कि आज मुझे एक और जगह जाना है, इसीलिए आप मुझे अभी जाने दें। आप सभी को आदाब, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।